Hello everyone and welcome back to your DSL English classes, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. So, दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हूँ. आप लोगों का होस्ट, आपका ट्रेनर संदीप मुदगल. और चलते हैं, देखिए आज क्या क्या करने वाले हैं. बहुत मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर. और आपको पता है ना, यू नो कि क्लास को शुरुआत कैसे करनी है. अच्छा चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये जान लेना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं. हाउ आर यू ऑल, आप सब कैसे हैं? Everything is fine. चलिए फटाफट से बता दीजिए, क्लास में आ जाइए. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. चलिए फटाफट से आ जाइए, चलिए क्लास में आ जाए. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन. जल्दी फटाफट से क्लास के अंदर प्रेजेंट दीजिए अपने लोगों के अटेंडेंस. ओके, और फटाफट क्लास के अंदर आए. सर आप कहाँ थे? बताऊंगा मैं कहाँ था अभी. नितिन बताता हूँ मैं कहाँ पे था. चलिए बताऊंगा कि मैं कहाँ था, कि क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं थी, वो भी मैं आपको लोगों को बताने वाला हूँ. फटाफट से पहले क्लास के अंदर आ जाए. चलिए आप क्लास शुरू हो चुकी है और आपको पता है कि भाई क्लास को शुरू करने के लिए हमारे पास कुछ और भी होना चाहिए. क्लास को शुरू करने के लिए हमेशा हम किस तरह से क्लास को शुरू करते हैं आपको पता है ना. आई एम द बेस्ट, है ना. आई एम द बेस्ट, फाइव टाइम अपने आप से बोलिए आई एम द बेस्ट. और फाइव टाइम्स आप लोगों को बोलना है I'm the best, I'm the great. अपने आप से मेरे साथ रिपीट करें आप मेरे साथ रिपीट करें. I'm the best, I'm the great. एक अलग से जोश होना चाहिए आप लोगों के अंदर, ठीक है. ओके, फटाफट से क्लास के अंदर आ जाएं और क्लास को एंजॉय करते हैं. कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर मैं दो दिन से तीन दिन से कहां था. मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त, आप जैसे मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स. और एक ट्रिप था मेरा आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद साइड का, तो वहां पर मैं गया था एज अ ट्रिप. मैं गया था एक ट्रिप, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट से मिला. मेरा बहुत सारे स्टूडेंट से मिलना हुआ और उनके परिवार वालों से मैं मिला. बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया. उनके साथ मैंने लंच किया, डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया. और मतलब बच्चों को भी मिलकर मुझसे बहुत अच्छा लगा. बहुत ही जल्दी मैं और भी स्टेट्स के लिए अपने ट्रिप बनाऊंगा. हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पटना, मुंबई, सब जगह पर एक एक करके हर महीने में मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं लोगों के पास जाऊँगा, मिलूंगा. जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन जो हमारे से क्लासेस लेते हैं, उनके घर पर मैं जाकर मिलता हूँ और उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ. बच्चे कई बार कहते हैं सर आप इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा वैल्यू नहीं करता. मुझे वैल्यू करता है कि आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर दूँ. आप लोगों को अब मेरा मिशन है कि मेरे साथ जो जुड़े हैं ऑनलाइन में, मेरे साथ जुड़े हैं और ये यूट्यूब वाले बच्चे स्टूडेंट भी, वो भी मेरे अपने हैं, राइट. आप लोगों से भी मिलूंगा, तो आप सबसे मिलूंगा और सबके साथ बैठकर हम बातचीत करेंगे कि आगे बढ़ना कैसे है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना कैसे है. इसलिए तीन चार दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी क्योंकि मैं बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था. चलिए, तो आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट आप लोगों ने कर ही दिया है और क्लास को शुरू करते हैं. और आज का जो पहला स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो आप भी मेरे से मिलना चाह रहे होंगे, राइट. अगर मिलना चाह रहे हैं तो बोलिए यस सर, वी वॉन्ट टू मीट यू. हम आपसे मिलना चाह रहे हैं और मैं आपसे मिलूंगा. हेलो, आपसे भी मिलूंगा, ठीक है, क्लियर. जो मुझे लाइक करता है उससे भी मिलूंगा और जो मुझे लाइक नहीं करता तो मैं बता दूं उसे कि एक दिन जरूर आएगा कि आप मुझे लाइक करने लगोगे, राइट. चलिए देखिए, इंसान की सबसे बड़ी सुंदरता ना उसके शब्द होते हैं, इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती ना उसके वर्ड्स होते हैं. आपके शब्द आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है. तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि कोई भी व्यक्ति मुझसे नाराज ना रहे. आई लव यू ऑल, आप लोगों ढेर सारा प्यार, गॉड ब्लेस यू ऑल. चलो क्लास को आगे बढ़ाते, देखते हैं क्लास में क्या है. और इस समय हम 300 लोगों को, हम 300 लोग हमसे जुड़ चुके हैं. फटाफट से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आपके कॉम्प्लीमेंट्स मुझे एक एनर्जी देते हैं. आपके कॉम्प्लीमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, राइट. चलिए, तो यहां पर आज का सबसे पहला स्ट्रक्चर है आपका, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है. तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं मिलना चाह रहे हैं सर, वी वांट टू मीट यू. ओके चलिए, मिलेंगे, पक्का मिलेंगे. पहले क्लास में वापस आ जाइए, पहले क्लास को करते हैं, उसके बाद मिलना मिलाना होता रहेगा. चलिए चलिए,
तो आज का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है जो हम अपनी लाइफ में बोलते हैं, देखिए मैं आपको कराता क्यों, आपको पता है ना, मैं हमेशा आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने का काम करता हूं। मेरा जो तरीका है ना बिल्कुल अलग है, आई डू नॉट कॉपी एनी अदर टीचर्स एंड ट्रेनर्स। मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, आप लोगों को भी अपना खुद का स्टाइल बनाना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर पहला सेंटेंस है, वो जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं किसी की आदत होती है कि वो मानता नहीं है, वो कितना भी कह लो वो मानता नहीं है। कभी कोई कोई जरूरी नहीं मानता नहीं है, मानती नहीं भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। कई बार लोगों को समझाते हैं वो मानते नहीं है, तो वहां पर हमें ये कहना पड़ता है वो जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है। जानबूझकर, ये शब्द बहुत ज्यादा बोला जाता है। आप भी बोलते हैं तो बोलिए, हाँ सर हम भी बहुत ज्यादा बोलते हैं। जानबूझकर ये जो शब्द है बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट। इफ यू यूज दिस वर्ड से यस सर हम यूज करते हैं, तो वो जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है, राइट कि मतलब मान ही नहीं रहा। आपने किसी से कहा कि भाई परेशान मत कर, आपने कहा कि सर वो अभी भी मुझे परेशान कर रहा है, तो मैंने कहा वो तुम्हें जानबूझ के परेशान कर रहा है, राइट। तो जानबूझकर, वो जानबूझकर ऐसा कह रही है, राइट। वो जानबूझकर ऐसा कह रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रेंड्स हैं, आपस में थोड़ा सा आपके नोकझोंक हो गई, तो उसने आपके लिए कुछ कह दिया दूसरे लोगों से, तो मैंने कहा वो जानबूझकर ऐसा कह रही है, उसके अंदर कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं, लेकिन वो जानबूझकर कहना चाह रही है। एक और एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल प्रैक्टिकली तरीके से ले रहे हैं यहाँ पर। थर्ड है, वो जानबूझकर यहाँ आ रहा है, वो जानबूझकर यहाँ आ रहा है, राइट। उसको मना किया है कई बार कि भाई यहाँ मत आया करो, मत आया करो, लेकिन वो जानबूझकर यहाँ आ रहा है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तो इन तरह के स्ट्रक्चर्स को हम कैसे बनाएंगे, एक देखते हैं यहां पर। ओके, इनको बनाने के लिए हमारे पास क्या है, इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले रूल क्या है हमारे पास, इसका जो रूल है उसको, रूल को समझते हैं। रूल क्या है हमारे पास, तो रूल जो है वो है सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट आई हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, राइट, डेलिब्रेटली लगाना है, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस आप देख रहे हैं, सेंटेंस यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है। तो यहां पर जो सेंटेंस की जो एक्चुअली जो की है वो है डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली। अब आपके कमेंट्स के अंदर डेलिब्रेटली चलता रहना चाहिए। सबसे पहले डेलिब्रेटली, नोइंगली बोलते हैं, इंटेंशनली बोलते हैं, कई सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जो ट्रेंडिंग है ना वो डेलिब्रेटली है, डेलिब्रेटली। तो कमेंट्स में डेलिब्रेटली इतना लिखना है, इतना लिखना है कि डेलिब्रेटली आपके ब्रेन में छप जाए, प्रिंट हो जाए। अगर आप तैयार हो कमेंट्स करने के लिए तो बोलिए हाँ सर हम डेलिब्रेटली लिखेंगे। तो डेलिब्रेटली लिखना शुरू करिए, आप सभी देख रहा हूं लिख रहे नहीं लिख रहे आप। चलिए, तो जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, राइट। वो जानबूझकर तुम्हें मैसेज कर रही है, वो जानबूझकर आपका पीछा कर रहा है, वो जानबूझकर, तो जानबूझकर पैसे खर्च कर रहा है, वो जानबूझकर अपने टाइम वेस्ट कर रही है, वो जानबूझकर वहां जा रहा है, वो जानबूझकर वो यहां आ रही है। इतने तमाम सेंटेंसेस दोस्तों हम बोलते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इस सेंटेंस को देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। यहां पर सेंटेंस को देखते हैं, वो जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है, He is deliberately. तो deliberately को कहां करना है दोस्तों, इसको बीच में रखना है, deliberately को आपको बीच में रखना है इस वर्ड को। He is deliberately. आप मेरे साथ रिपीट करिए, हाँ बच्चे आप रिपीट भी करिए मेरे साथ। He is deliberately bothering you. Bother का मतलब है परेशान करना, बॉदर का मतलब है परेशान करना, है ना। टीज का मतलब भी परेशान करना होता है, तो बॉदरिंग टीजिंग में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। सो ही इज डेलिब्रेटली बॉदरिंग यू, अगर वो आपको जानबूझकर परेशान कर रही है, तो ही को आप रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, शी। क्या लगा देंगे आप, शी, मतलब वो जानबूझकर आपको परेशान कर रही है। इस सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं, शी इज डेलिब्रेटली बॉदरिंग यू। भाई आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, आप उनका नाम, नाम सोचिए उनका नाम क्या है, उनके नाम के साथ ये सेंटेंस बनाइए। रमेश इज डेलिब्रेटली बॉदरिंग मी, राइट, मुझे परेशान कर रहा है रमेश। सचिन इज डेलिब्रेटली बॉदरिंग मी, अनुज इज डेलिब्रेटली बॉदरिंग मी, राइट। तो आप भी मुझे बताइए कौन कौन है, क्या आपका फ्रेंड आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है, क्या आपकी फ्रेंड आपको जानबूझकर परेशान कर रही है, कौन है, एक बार फिर से,
आखिर आपकी लाइफ में कौन है जो आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है। अगर आपको पता चल गया तो बता दीजिए आप मुझे आज। चलिए सेंटेंस बनाइए। तो यहां पर देख रहा हूं मैं, यहां पर प्रशांत बोल रहे हैं, सानो इज डेलिबरेटली बॉदरिंग यू। सानो मतलब यू को हटाकर आप मी लगा सकते हैं, मतलब आप अपने लिए इस यू को हटाकर क्या लगा सकते हैं, मी, मतलब मुझे परेशान कर रहा है, अपने लिए अगर आप बोलना चाहते हैं मी, राइट। अनुज इज डेलिबरेटली बॉदरिंग यू, बेटा मोदी नामा जो आपका नाम है बॉदरिंग मी, मुझे परेशान कर रहा है, आप अपने लिए बोल रहे हैं ना मुझे, तो बेटा मी लगाइए, अगर हम तुम्हें बोलेंगे तो यू लगाएंगे, है ना, इस तरह से। जैसे वो लड़का उस लड़की को जानबूझकर परेशान कर रहा है तो ही इज डेलिबरेटली बॉदरिंग हर जाएगा, राइट। तो इस तरह से चलिए, और हम ये 400 को क्रॉस कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, और हमने 400 क्रॉस कर ले। एक बार फिर से यहां पर ये इतना बोल दीजिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, यू आर द बेस्ट, यू गाइस आर द ग्रेट। बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्शन करना, और लाइव क्लास गजब है यार, गजब, बहुत अच्छा लगता है। सो मेरे दोस्त सेंटेंसेस को बनाते रहिए, कौन कौन परेशान कर रहा है। चलिए, आपके कोई फ्रेंड भी होगी या फ्रेंड भी होगा, उसको कौन कौन परेशान कर रहा है भाई, उसको भी कोई परेशान कई बार करते तरह जानबूझकर आपके खुद के दोस्त परेशान कर रहे होंगे, राइट। माय फ्रेंड इज डेलिबरेटली बॉदरिंग माय फ्रेंड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, लव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ओके, दिलीप कुमार ऑस्ट्रेलिया से हैं, थैंक यू सो मच, आप मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे पास ना सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में जो इंडिया से लोग गए हैं वो भी डीएसएल पर अपना भरोसा दिखाते हैं, डीएसएल को दिखाते हैं, यस डीएसएल इंडिया में ना केवल बाहर भी अपने एक नाम बना रहा है, और नाम अकेला नहीं बना रहे, हम सब मिलकर बना रहे हैं, और आप अलग नहीं है डीएसएल से। हेलो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, हेलो आपसे, आप डीएसएल के पार्ट हैं, आप डीएसएल के हिस्से हैं, राइट। आप डीएसएल को अपना एक घंटा देते हैं यहाँ पर शाम को 7 बजे, राइट। तो आप इस डीएसएल के परिवार के हिस्से हैं, और आपको गर्व होना चाहिए कि आपके परिवार को ना केवल इंडिया में बल्कि बाहर भी लोग पसंद करते हैं। मेरे दोस्त आपके परिवार को पसंद कर रहे हैं बाहर भी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, ओके, तो जानबूझकर ऐसा कह रही है, कुछ सेंटेंसेस यहां पर आपके पास हैं, वो जानबूझकर ऐसा कह रही है, अगर यहां पर रही है तो इसे हमें क्या करना होगा, वो जानबूझकर ऐसा कह रही है तो इसे हमें शी करना होगा, तो शी इज डेलिबरेटली। अब इस सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलिएगा, बनाइएगा भी मेरे साथ, राइट। शी इज डेलिबरेटली, वो जानबूझकर ऐसा कह रही है, सो शी इज डेलिबरेटली सेइंग, राइट, लाइक दिस, लाइक दिस, राइट, शी इज डेलिबरेटली सेइंग लाइक दिस, वो जानबूझकर ऐसा कह रही है। आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे, आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे, और साथ साथ कामयाबी को पाने का काम करेंगे मेरे दोस्त, राइट। ठीक है, तो जानबूझकर यहां आ रहा है, इस सेंटेंस पे आ जाइए मेरे साथ फटाफट से, जो जो मैं बना रहा हूं मेरे साथ साथ बनाते रहिए, जो जो मैं बना रहा हूं मेरे साथ बनाते रहिए। वो जानबूझकर यहां पर आ रहा है, ही इज डेलिबरेटली, और डेलिबरेटली के बाद क्या लगाना है, आने के लिए बताइए क्या होगा, आने के लिए बताइए क्या होगा, वो जानबूझकर यहां आ रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, डेलिबरेटली कमिंग हो जाएगा, ही इज डेलिबरेटली कमिंग हेयर, राइट। वो जानबूझकर यहां आ रहा है, ही इज डेलिबरेटली कमिंग हेयर। अब मैं यहां से कुछ हिंदी के सेंटेंस बोल रहा हूं, आप इंग्लिश में बताना, वो जानबूझकर वहां जा रहा है, वो जानबूझकर वहां जा रहा है, ही इज डेलिबरेटली क्या होगा, हेलो क्या होगा, वो जानबूझकर वहां जा रहा है, ही इज डेलिबरेटली गोइंग देयर, वो जानबूझकर खा रहा है, ही इज डेलिबरेटली ईटिंग, वो जानबूझकर गाना गा रहा है, वाह मजा आ गया यार, बहुत अच्छा, मेरे को गाना सुना बहुत अच्छा लगता है, वो जानबूझकर गाना गा रहा है, ही इज डेलिबरेटली सिंगिंग, मेरी मम्मी जानबूझकर मुझे डांट रही है,
राइट वैसे जानबूझकर कहा, मम्मी डांटती है, मम्मी तो गुस्से में डांटती है, काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा तो जानबूझकर मम्मी ना, तो वो गुस्से में डांटते हैं, और मम्मी को गुस्सा आ गया ना, फिर तो भाई आपके आसपास में जो चप्पल जूते हैं ना, उनको सबसे पहले आप क्या कर दो, छुपा दो कहीं जाकर, नहीं बेटा आक्रमण होने वाला है फिर उसी चीज का। तो लगे कि मम्मी को गुस्सा आ रहा है, पापा को गुस्सा आ रहा है, फटाफट से जो चीजें हैं, राइट जो फटाफट चीजें हैं ना, कुछ भी आप समझ गए होंगे, वो छुपा दो, वो ना जानबूझकर वाला सेंटेंस। ओके चलिए देखते हैं यहां पर नेक्स्ट है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इस सेंटेंस को भी देखते हैं, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, आप बना रहे मेरे साथ। चलिए यहां पर हमने 500 को क्रॉस कर लिया, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बोल दूं, यू गाइज आर द बेस्ट, यू गाइज आर द ग्रेट, आई लव यू ऑल, आई लव यू माई फैमिली, बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितनी भी तारीफ की जाए यार डीएसएल परिवार में आप लोगों की, कम है मेरे दोस्त, आप डिजर्व करते हैं इस परिवार को, आई लव यू। चलिए तो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ही इज डेलिबरेटली डूइंग, ऐसा कर रहा है लाइक दिस, ऐसा के लिए लाइक दिस आप लगा दीजिए, एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज डेलिबरेटली डूइंग लाइक दिस, डूइंग लाइक दिस, राइट। तो मैं एक बार चेक कर लूंगा कि आप बना रहे नहीं बना रहे, बहुत बढ़िया चिंटू राजकुमार, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, सेंटेंसेस बनाओ बेटा, सेंटेंसेस पर ध्यान दो, फोकस करो अपनी क्लास पर, अपनी क्लास पर फोकस करो, आई एम गोइंग टू चेक कि आप बना रहे नहीं बना रहे, ही इज डेलिबरेटली डूइंग लाइक दिस, लव यू टू, बहुत बढ़िया, लव यू टू। ओके सर आप कैसे सॉन्ग पसंद करते हैं, बेटा आप कुछ भी गाओ मैं क्लैपिंग कर दूंगा, पसंद हर चीज पसंद है मुझे, ठीक है आप कैसे भी गाने गाओ, वैसे मुझे ओल्ड सॉन्ग पसंद है थोड़ा सा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, और यहां पर मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, आपको एक टारगेट दूंगा आज, टारगेट हमेशा टारगेट को लो, चैलेंजेस लो, चैलेंज आप लोगों का है, आप लोगों को अपने लिए, आई एम बस सीखने के लिए, सीखने के मकसद से बता रहा हूं, सीखने के मकसद से, सीखने के मकसद से आपको सेंटेंस बनाना है, डेलिब्रेटली, आई एम डेलिब्रेटली, यहां पर कम से कम आपको टारगेट दे रहा हूं, टारगेट दे रहा हूं अभी 20 सेंटेंसेस का, देखते हैं सबसे पहले 20 सेंटेंसेस कौन बनाता है, सबसे पहले टारगेट को एक्सेप्ट करो दोस्तों, टारगेट नहीं है ना तो जिंदगी में कुछ नहीं है, टारगेट को पकड़ना है आप लोगों को। सो आई एम डेलिब्रेटली सिंगिंग, मैं जानबूझ के गाना गा रहा हूं, मैं जानबूझ के नाच रहा हूं, आप क्या क्या जानबूझ के कर रहे हैं, अगर आप अपने लिए नहीं बोलना चाह रहे, आप अपने लिए नहीं बोलना चाह रहे तो आप ही इज में बना दीजिए, आप शी इज में बना दीजिए, आप यू आर में बना दीजिए, फटाफट से 20 सेंटेंसेस का टारगेट दिया है, यू आर, आई एम, ही इज, शी इज, डेलिब्रेटली लगाना है, और उसके साथ आपको वी फोर लगानी है, देख रहा हूं कि आप कौन बच्चा इस टारगेट को सबसे पहले छूता है, 20 प्लस के टारगेट को, 20 सेंटेंसेस के टारगेट को सबसे पहले कौन अचीव करता है, सो लेट मी चेक हियर। चलिए बहुत सुंदर, चहल, पूजा, तनु, भारती, कन्हैया कुमार, मुशीर आलम, ओके दीक्षा चवन, ओके बीना दीक्षित, सिद्धि गुप्ता, प्रीति कुमारी, महक, यहाँ पे मैं जो नाम देखता हूँ कई बार बहुत अच्छा लगता है कि वो बच्चे बड़े अटेंशन के साथ क्लासेस लेते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू ऑल। यहाँ पे बता रहे कोई बच्चा 20 प्लस हो भी चुके, वाओ, मैंने अभी 30 सेकंड्स कट दिया टाइम, 30 सेकंड्स में 20 करने थे, कुछ बच्चों ने 20 कर भी दिए, हाय सर, हाय बेटा, चलिए 20 प्लस, किस किस के 20 हो गए, जिसके 20 हो जाए वो लिख दीजिए डन, डन लिखिए फटाफट से, अगर आपके 20 हो गए तो बोलिए डन सर, डन लिखिए, भेजिए फटाफट से डन, 20 डन, 20 डन, 20 डन, फटाफट से लिख के भेजिए फटाफट 20, सर मेरा 50 हो गया, नितिन बहुत बढ़िया यार, कमाल है नितिन, आप पुरुष नहीं हो, आप महापुरुष हो कि आपके 30 सेकंड्स में 50 प्लस हो गया यार, राइट, आपको नमन है मेरा। चलिए बहुत सुंदर, इतना स्पीड से तो राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलती, जो आपने आपने 50 बना दिए, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर, चलिए गजब। देखा कुछ लोगों की स्पीड बहुत अच्छी है, जिनकी स्पीड अच्छी है आप कभी उनसे मिलना कि वो यार खाते ही क्या है, क्या ऐसी प्रोटीन लेते हैं, क्या मतलब कितना मतलब गजब है यार, वो तो 1000 सेंटेंसेस भी बना लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है हमारे पास,
आगे स्ट्रक्चर पे चलते हैं, सेकंड स्ट्रक्चर कौन सा हमारे पास, और सेकंड स्ट्रक्चर है दोस्तों, कई बार इस तरह के सेंटेंस हम अपनी लाइफ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखते हैं, काम पूरा करते ही मुझे बता देना, काम पूरा करते ही मुझे बता देना। कई बार अपने पेरेंट्स कहते हैं ना, पापा कहते हैं बेटा काम पूरा करते मुझे बता देना कि आपने काम कर लिया है, राइट। दवाई खाते ही सो जाना, कोई काम करते ही है ना चले जाना, इस तरह से फ्री होते ही बता देने कि आप फ्री हो चुके हैं। आप अपने फोन करते हैं ना, फ्री होते ही बता देना वेट कर रहा हूं, वेट कर रही हूं, फ्री होते ही बता देना, राइट। बहुत स्टडी करते हो आजकल आप, हाँ ठीक है। कॉलेज पहुंचते ही मैसेज कर देना, ये ऐसे कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस हैं दोस्तों जो हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये बोलते हैं और आप इन्हें यूज करते हैं तो बोलिए हाँ सर हम यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं। चलिए तो इनको देखते हैं बनाते कैसे दोस्तों, है ना। चलिए यहां पर जो मैंने बात बोली थी, इस सेंटेंस को देखते हैं, फ्री होते ही बता देना, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, फ्री होते ही बता देना, अंदर से जज्बात जाग गए, सर क्या करके मानोगे, मतलब याद दिला दी फिर से आपने हमें, याद दिला दी हमें आपने हमारे, है ना, एक्स वाई जेड जो भी है। चले तो इन सेंटेंसेस को देखते हैं कैसे बनाना है हमें। चलिए बहुत बढ़िया स्माइल आ रही है, ओहो मजा आ गया भाई, जो स्माइल कर रहे हैं ब्रश वगैरह कर लिया है ना, ब्रश करके करना वरना कोई बात नहीं करे आपसे। एक मैंने बताया था ना पहले भी, एक बच्चा कहता सर हमसे कोई बात नहीं करता, हम तो बहुत अच्छी इंग्लिश सीख चुके हैं। मैंने बच्चा मैंने बताओ क्यों नहीं करता सर, कि इसलिए कि हम आजकल नहा नहीं रहे हैं और हम ब्रश नहीं कर रहे हैं बस, तो ब्रश करना है वरना स्मेल आती है मुझे, ठीक है। तो स्माइल कर रहे हैं ना तो ब्रश भी कर लिया करो भाई। चलिए हाँ अपने पुराने दिन याद आ गए बच्चों, पुराने दिन याद आ गए, जितने भी स्माइल कर रहे हैं ना सबको अपने पुराने जज्बात, आहा सर ने जज्बात जगा दिया, आहा। चले कोई बात नहीं, होता है भाई ये उम्र है, कोई बात नहीं ठीक है। चलिए है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बच्चे अभी स्ट्रक्चर बताए नहीं, बच्चे अगर हमने 500 बना लिए, नमन है भाई ऐसे लोगों को जिन्होंने राजधानी एक्सप्रेस से भी ज्यादा यहां पर काम करने की कोशिश की है। 500 बना लिए अपने सेंटेंसेस, अभी स्ट्रक्चर बताए नहीं आपने, 500 बना लिए, भाई ऐसे लोगों को मेरा नमन है। आप मिलिएगा मुझसे, मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा, खुद सेल्फी लूंगा, बिना स्ट्रक्चर के आपने 500 सेंटेंस बना लिए, कमाल है यार। मैं देखना चाहता हूं ऐसे इस पृथ्वी लोक के प्राणी को, इस भूलोक के प्राणी को मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा महान प्राणी कौन है, जब भी मैंने इसका स्ट्रक्चर भी नहीं बताया सेंटेंस का और उन्हें 500 सेंटेंस बना दिए, वाह मजा आ गया यार कसम से यार, ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा संख्या जा रही है यहां पर। चलिए देखते हैं आगे क्या बनता है इसका, यहां पर देखते हैं इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई। 500 वाले तो बना ही चुके हैं, है ना, वो आगे भी पहुंच जाएंगे, वो तो 1000 पे पहुंच रहे होंगे, लेकिन जो अभी 1000 पे नहीं पहुंचे पहले उनको भी पहुंचा दूं भाई, जो बच्चे 2-4 नहीं बना रहे उनको भी बना देता हूं। चलिए बच्चे कह रहे सर मेमोरी फुल हो जाएगी, ओके सर आप कौन हो, मैं एक इंसान हूं, लग रहा हूं ना, चलिए बहुत बढ़िया भाई मैं डेली आता हूं, पूछे सर आप कौन हो, मैं आपकी तरह एक इंसान हूं। चलिए और यहां पर एक बार हमने 600 का टारगेट पूरा कर लिया, एक बार फिर से क्लैपिंग करूंगा आप लोगों के लिए, यू गाइस आर द बेस्ट एंड यू गाइस आर द ग्रेट, बहुत सुंदर आप इतना फॉलो करते हैं, इतना परिवार आप लोगों के तो परिवार है दोस्तों ये। चलिए आगे बढ़ते हैं तो इनको देख लेते हैं, काम पूरा करते ही मुझे बता देना। तो यहां पर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर में यहां पर जो रूल है वो रूल क्या है, रूल है हमारे पास डू, तो आपको डू को स्टार्टिंग में रखना है डू, और उसके साथ आपको रखना है वीवन, क्या रखना है आपको वीवन, और उसके बाद आपको रखना है एज सून एज, पहले देख लीजिए एज सून एज, और उसके बाद फिर जो भी सेंटेंस है सब्जेक्ट और ये वर्ब है सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, काम पूरा करते ही मुझे बता देना, राइट जैसे पापा ने आपको काम दिया, बेटा काम पूरा करते ही मुझे बता देना, राइट फिर मैं आपके साथ कहीं मार्केट निकलना है, बोल देना। तो क्या करना है, सबसे पहले डू को रखिए, मेरे साथ आप बोलना शुरू करिए, यहां पर एक एक करके मेरे साथ आप रिपीट करिए, डू बोल रहे हैं मेरे साथ, बोल रहे हैं तो बोलिए यस सर हम बोल रहे हैं, हेलो हेलो आपसे बोल रहा हूं, बोलिए मेरे साथ डू टेल मी, मुझे बता देना, डू टेल मी एज सून एज, डू टेल मी एज सून एज, मतलब जो लास्ट वाला जो ना मुझे बता देना, ये इसको क्या करना है, इसको आपको शुरुआत में ले जाना है यहां पर,
और जो स्टार्टिंग वाला है उसको आपको एंड में ले जाना है। कहां ले जाना है? इस सेंटेंस को आपको एज सून एज के बाद एंड में ले जाना है। सो डू टेल मी एज सून एज यू कंप्लीट योर वर्क, एज सून एज यू कंप्लीट योर वर्क और एज सून एज यू आर डन, कुछ भी बोल सकते हैं। सो डू टेल मी एज सून एज यू कंप्लीट योर वर्क, काम पूरा करते ही मुझे बता देना, कॉलेज पहुंचते ही सबसे पहले मुझसे बात कर लेना, राइट और दवाई खाते ही सो जाना। पापा ने कहा बेटा दवाई खा लियो फिर उसके बाद सो जाइयो, दवाई खाते ही सो जाना। अभी आपके कमेंट्स में आपका क्या चलना चाहिए, एज सून एज को आप कमेंट करते रहिए, एज सून एज सून एज सून एज को कमेंट करते रहिए। बाकी आप मेरे साथ देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। तो क्या करना है, ये जो बाद वाला जो वर्ड है जैसे सो जाना, राइट, इसको आपको स्टार्टिंग में रखना है। तो क्या रखना है, डू, देखिए यहां पर मेरे साथ बोलिए भी मेरे साथ डू, और सोने के लिए क्या बोलेंगे, डू स्लीप, डू स्लीप। देखिए डू हो गया आपका, वी वन हो गया, मतलब जो लास्ट का जो सेंटेंस है, लास्ट का जो वर्ड है उसको हमको स्टार्टिंग में रखना है। डू स्लीप, राइट, एज सून एज यू, ठीक है यू। अब बताइए यहां पर क्या लगाऊं, खाने के लिए दवाई, खाने के लिए क्या लगाऊं, खाने के लिए मैं क्या लगाऊं यहां पर, एज सून एज के बाद खाने के लिए बताइए बच्चे मैं क्या लगाऊं यहां पर। खाने के लिए मैं आपको बता दूं, ईट मत लगाना कभी भी, दवाई खाने के लिए कभी आप ईट मत लगाना, है ना, दवाई को ऐसे खाता हूं, ऐसे खाते हो दवाई को, राइट, दवाई को ऐसे नहीं खाते, राइट, दवाई खाने के लिए दोस्तों आपको टेक ही लगाना है। क्या लगाना है, टेक लगाना है, तो राइट ईट नहीं लगाना, दवाई ऐसे नहीं खाई जाती, ठीक है। सो डू स्लीप एज सून एज यू टेक मेडिसिन, जो भी आपकी मेडिसिन है जो आपने मार्केट से लिए, डू स्लीप एज सून एज यू टेक योर मेडिसिन, डू स्लीप, मेरे साथ रिपीट करिए, हाँ हेलो रिपीट करिए, राइट, डू स्लीप एज सून एज यू टेक मेडिसिन, डू स्लीप एज सून एज यू टेक मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट, जो आपका फेवरेट सेंटेंस है ना, फेवरेट डायलॉग भी आप लोगों का है, राइट, फ्री होता ही बता देना, तो फ्री होता ही बता देना, अब से हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलना, फ्री होते ही बता देना। हाँ आपके फ्रेंड को इंग्लिश आनी चाहिए, पता चला आपने इंग्लिश में बोल दिया उसने कुछ और समझ लिया, राइट, तो जरूरी है कि आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, और अपने फ्रेंड को भी बता देना अगर नहीं आती इंग्लिश तो डीएसएल इंग्लिश शाम को 7 बजे देखना शुरू कर दे। तो बता देना, तो स्टार्टिंग में क्या रखना है आपको, डू, डू के साथ बताने के लिए मैं आपको बताया था टेल लगाना है, डू टेल, ठीक है, डू टेल एज सून एज, एज सून एज यू आर फ्री, एज सून एज यू आर फ्री, डू टेल एज सून एज यू आर फ्री, डू टेल एज सून एज यू आर फ्री। यस, दवाई खाने के लिए टेक लगाएंगे, ईट कभी नहीं लगाएंगे, राइट, इज दैट क्लियर? तो इन सेंटेंसेस को आप आग लगा दो भाई, मैं आग नहीं लगा रहा क्योंकि बुझाने के लिए फिर है ना, फिर बुझना मुश्किल हो जाएगी, इतनी आग सही है, इतनी आग सही है, ठीक है। ज्यादा आग की बात करेंगे ना कुछ लोग सीरियसली लेते हैं, है ना, आग वगैरह लगाने लगेंगे, है ना, सर आग क्यों लगवा रहे, गर्मी का टाइम वैसे ही है, ठीक है। अभी आप बिना आग के काम चलाओ, राइट, बिना आग के काम चलाओ, आग हम सर्दियों में देखेंगे कैसे लगाते हैं। चलिए, तो फ्री होते ही बता देना, डू टेल एज सून एज यू आर फ्री, डू टेल एज सून एज यू आर फ्री। एज सून एज का बहुत एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसे भी मैं लेकर आऊंगा, एज सून एज जैसे ही और ज्यों ही, मैं कैसे कनेक्टिविटी होते बता दूंगा, डोंट वरी। अभी यहां पे देख लीजिए, कॉलेज पहुंचते ही मैसेज कर देना, कॉलेज पहुंचते ही मैसेज कर देना, तो क्या होगा, डू, मैसेज करने के लिए क्या होता है, डू ड्रॉप द मैसेज, डू ड्रॉप द मैसेज एज सून एज यू रीच कॉलेज, ठीक है, अपने आप बना लेना सेंटेंस को। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, डू ड्रॉप द मैसेज, डू ड्रॉप द मैसेज एज सून एज यू रीच योर कॉलेज, यू रीच योर कॉलेज। उससे मिलते ही, उससे मिलते ही पैसे ले लेना, उससे मिलते ही पैसे लेना, आजकल आपको वो पैसे वापस नहीं दे रहे ना, है ना, पैसे किसी ने आपसे उधार लिए, अब उधार लेने के बाद वो भाग रहे, आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाह रहा,
तो मैंने कहा अपने दोस्तों से, यार उससे मिलते ही ना उससे पैसे ले लेना, इधर उधर आपको गोली दे रहा है, भाग रहा है, भाग रही है, उसे देखते ही पकड़ लेना। आजकल वो यहाँ पर बहुत जानबूझकर आ रहा है, उसे देखते ही पकड़ लेना, और उसके बाद है ना, फिर तो आप समझ गए होंगे, उसे देखते ही पकड़ लेना। वो ऐसा लड़का है ना, बड़ा बदतमीज है यार, उसे देखते ही पकड़ लेना और फिर आपको जो करना है कर लेना। चलिए, सो यू गाइस गॉट दी वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट यहां पर चलते हैं। अब मैं यहां पर कुछ छोटा सा मोटिवेशन आपको दूंगा। अगर आप मोटिवेशन लेना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, तो बोलिए हाँ सर, वी आर रेडी फॉर दिस। If you are ready to get the motivation from my side, so I am going to give you the motivation here. If you are ready to get the motivation, say it, yes sir, we are ready for this. So I'll give you lots of motivation here, and I'm sure that that motivation will change your life. So if you agree, we or you need motivation, say yes sir, we are ready for this. Ab फटाफट से जो जो motivation चाहता है, फटाफट से मुझे बताइए सर, हाँ हम motivation चाहते हैं। So let me have a glass of water, तब मैं glass पानी पीता हूँ। और अगर आप लोगों को भी प्यास लग रही है, तो प्यास लगने के लिए क्या बोलते हैं बता ना, गेटिंग थ्रस्टी, गेटिंग है ना, आई एम गेटिंग थ्रस्टी। सो लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर नाउ। कमाल है यार, सारे बच्चे तैयार हैं, चलिए बता देता हूं मैं। गुड, सो मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी। चलिए, वाओ, अब तो और मजा आ गया होगा भाई। स्टोरी में आपको मैंने नोट दिखा दिया यहां पर, अब तो और मजा आ गया। गांधी जी दिख गए आपको भाई, आज के डेट में हर कोई गांधी जी का दीवाना है, हर कोई गांधी जी का दीवाना है। आपके जेब में गांधी जी हैं, है ना, अगर आप कहते हैं अगर आपके पास गांधी जी हैं, आपके पास पैसा है, तो दुनिया पूछेगी कैसा है और कैसी है। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया पूछेगा आप कैसा है। तो भाई ये गांधी जी जो आपको पीछे दिख रहे हैं, इसी के इन्हीं के ऊपर एक मोटिवेशनल स्टोरी है यहां पर। चलो मैं बता देता हूं यहां पर। हाँ, बड़े बच्चे एक्साइटेड हो गए भाई, क्या बात है सर ने गांधी जी दिया। देख गांधी जी से काम चलाएंगे, मैं आपको और भी दिखाने वाला है ना, कि आप समझ गए कि और लीडर दिखा रहा हूं, कि मैं आपको राहुल गांधी दिखा रहा हूं या फिर मैं आपको केजरीवाल दिखा रहा हूं, और कुछ नहीं, बस महात्मा गांधी से काम चल जाएगा मेरा। तो महात्मा गांधी आपके सामने यहां पर भाई, और महात्मा गांधी के लिए तो भाई आप कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे, सुबह निकलते हैं इंसान महात्मा गांधी को पाने के लिए। हाँ भाई, बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, कार स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आम बेच रहा है महात्मा गांधी पाने के लिए, कोई केले बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है, कोई जूस बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, राइट, महात्मा गांधी पाने के लिए। तो चलिए यहां पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, आप लोग मुझे बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी टू गेट दिस गांधी जी फ्रॉम मी नाउ। अगर मैं कहूं ये जो नोट है मैं आपको देना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो गांधी जी, मतलब 2000 वाला जो नोट है मेरे पीछे, ये मुझसे लेना चाहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, अगर आप ये गांधी जी मुझसे लेना चाहते हैं तो बोलिए हाँ सर हम तैयार हैं। देखिए मैं आपको बताऊं आगे क्या बताने वाला हूं मैं, तो मैं देख लूं यहां कितने बच्चे इस नोट को लेना चाहते हैं, इन गांधी जी को लेना चाहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी टू गेट दिस गांधी जी, इन गांधी जी को कितने लोग लेना चाह रहे हैं, देखते हैं कितने लोग लेना चाह रहे हैं। बच्चे हंस रहे कि सर गांधी जी देंगे नहीं, मैं दूंगा, टेंशन मत लो, गांधी जी दूंगा मैं, राइट, ऐसे ही गांधी जी दूंगा, पहले मैं देख लूं कि कितने लोग गांधी जी लेना चाह रहे हैं। यस सर, वी आर रेडी, वी आर रेडी, श्योर सर। भाई गांधी जी के लिए कोई मना कर सकता, आखिर कोई नहीं मना कर सकता भाई, जितने गांधी जी देते उतने कम है। ये तो बच्चे तो कुछ कह रहे सर एक गांधी से काम नहीं चलेगा, आप यहाँ 100-200 गांधी जी दे दीजिए हमें, हमारी लाइफ निकल जाएगी, 100-200 गांधी जी दे दीजिए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कितने बच्चे शरीफ हैं, देखिए कुछ बच्चे सराफत दिखा रहे हैं, नो सर हमें नहीं चाहिए, वाओ ठीक है, चलिए ठीक है। और यहां पर कुछ बच्चे चाहिए, देखिए मोटिवेशन स्टोरी क्या है यहां पर, अगर इन गांधी जी को मैंने, इस नोट को मैंने ऐसे कर दिया, इस नोट को मैंने गांधी जी के जो नोट था उसको मैंने मोड़ दिया, बढ़िया तरीके से मोड़ दिया, बढ़िया तरीके से मोड़ दिया, अब कितने बच्चों को चाहिए। अब मैंने इस नोट को बहुत ज्यादा मसल दिया, अब मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी टू गेट दिस गांधी जी नाउ। अब कितने लोग इन गांधी जी को, इस जो मुड़ा हुआ जो नोट है, ये टेढ़ा मेढ़ा जो नोट आप देख रहे हैं यहां पर, अब कितने लोगों को ये नोट चाहिए मुझसे, अभी भी सर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए।
मुझे चाहिए। कुछ बच्चे मना भी कर रहे हैं, चलिए ठीक है ओके। कुछ बच्चे कह रहे अभी भी चाहिए। पता क्यों चाहिए आप लोगों को ये नोट? इस नोट को अब यहां पर मोरल सुनिए, मैं जो मोरल बताने वाला हूं, मोरल ये है, जो नोट था इसको कितना भी मैंने इसको कितना भी गुड़मड़ाया मोड़ा कुछ भी करा मैंने, लेकिन इस नोट की वैल्यू यहां पर भी 2000 रुपए है और यहां पर भी 2000 रुपए है, राइट? इज दैट क्लियर? अब समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की जिंदगी में कई सारी परेशानियां आती हैं, कई सारी चीजें आती हैं, आप उन परेशानियों से अपने आप को कभी मोड़ते हो, कभी सिकोड़ते हो, कभी मोड़ते हो, कभी सिकोड़ते हो। लेकिन मेरे दोस्त, आप अपने आप को कितना भी मोड़ लीजिएगा, कितना भी अपने आप को सिकोड़ लीजिएगा, लेकिन अपनी वैल्यू को कभी मत कम कीजिएगा। आपकी वैल्यू वैल्यू हमेशा वैसी रहनी चाहिए जैसा अपने आप को आप समझते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। तो हमेशा आपको अपनी नजरों को ना हमेशा एक पॉजिटिव एंगल देना है कि आपके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी सिचुएशन आए, लेकिन अपनी वैल्यू को मेरे दोस्त कभी कम मत होने देना, कभी कम मत होने देना। आपकी वैल्यू ना बहुत बड़ी है, अपनी वैल्यू को समझने का काम करो। आपके अंदर ना बहुत बड़ी पावर है और जिस दिन अपने पावर को समझ गए ना, मजा ही कुछ और होगा। इसीलिए कई बार बच्चे निराश हो जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। सिचुएशन ऐसे आ जाते कि आप गुड़मुड़ा जाते, ऐसे गुड़ जाते। नहीं मेरे दोस्त, वही एक सिचुएशन है, चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, आपको यह कहना है बस एक और, बस एक बार और, बस एक बार और, बस एक बार और मुझे आगे बढ़ना है, बस एक कदम और, बस एक कदम और। अपनी वैल्यू कभी कम मत करना। और फिर देखिए मंजिल क्या, जो भी आप चाहते हैं ना, जो भी कुछ चाहते हैं वो एक दिन आपका होगा। जो भी कुछ चाहते हैं मेरे दोस्त वो एक दिन आपका होगा, लेकिन अपनी वैल्यू को कभी कम मत समझना, अपने आप को कभी कम मत समझना। आप जैसे भी है ना सर्वश्रेष्ठ हैं। बस यही कहना चाह रहा था, परेशानी की धूल से अपनी कीमत कम मत होने देना, राइट? ये मेरा मैसेज मैं आपको देना चाहता था, राइट? नहीं शब्द अपनी जिंदगी से हटा दो कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। अब देखो इस नहीं को हटा दीजिए और देखो क्या सेंटेंस बना, मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं। इसका क्या, जो मैं क्या बोल रहा हूं, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। बस यही करना है, कीमत कम मत होने देना। अपने दोस्त आप बहुत कीमती हो, राइट? चलिए तो ये मैसेज है मेरा, किसी भी स्थिति में अपने आप को कमजोर मत समझना मेरे दोस्त, राइट? संदीप सर है ना आपके साथ, मैं हूं ना आप लोगों के साथ, राइट? ये DSL परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। चलिए तो मोरल आप लोगों को मिला यहां पर कि अपनी कीमत को कभी कम मत समझना, ठीक है? चलते हैं। और दोस्तों जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं, इस परिवार को बढ़ाने का काम करना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कुछ चीजें, स्ट्रक्चर्स, मोटिवेशनल चीजें आपको मिलती रहे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन हमेशा इस तरह से मिलते रहे मेरे दोस्त, राइट? मैं संदीप आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं, करता था और करता रहूंगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है। स्ट्रक्चर नंबर थ्री यहां पे बच्चे सब कह रहे हैं सर हाँ आप अपनी वैल्यू को कम नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, होना भी यही चाहिए, राइट? ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। दोस्तों हम इस दुनिया में ना गेस्ट की तरह आए हैं, गेस्ट हैं हम इस दुनिया में। ऊपर वाले ने हमें गेस्ट बना के भेजा है और कब हमें ऊपर बुला लेगा पता नहीं है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि जितनी कीमत उसने आप में लगाई है उस कीमत को कभी कम मत होने देना, राइट? एक दिन तो सबको जाना है। किस बात का ईगो करना, फिर किस बात का घमंड करना? कुछ बच्चे कहते हैं सर आप में ईगो नहीं है, क्यों करूं भाई? एक दिन कभी ऐसी रात आएगी मेरी जिंदगी में भी
कि उसके दिन उसके बाद सवेरा ही नहीं होगा, है ना। आप लोगों की जिंदगी, किसी की जिंदगी में एक ऐसी रात आएगी उसके बाद सवेरा नहीं होगा, मतलब टिकट ऊपर की कंफर्म है। इसीलिए जितनी जिंदगी आपके पास है अपनी कीमत को बनाए रखिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। आप बोल सकते हो मेरे साथ, बोल सकते हैं जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। इसीलिए जितने पल आपके पास आए ना, जितनी खुशियों के पल आए, आप हंसिए, हंसिए आप उन पल पर, ठीक है। गेम ऊपर वाला खेल रहा है आपके साथ, खेलिए। चलिए, यहां पर मानना पड़ेगा आप ईमानदार हो। मेरा एक दोस्त मेरे घर आया, मेरे घर आने के बाद वो बैठा, उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई। संदीप, मेरे ऑफिस में कल मैं अपने बॉस के साथ था, मेरा बॉस और मैं अकेला था, मेरे बॉस के पास लाखों रुपए उसके साथ थे, और उसने मुझे कहा, मतलब मेरे दोस्त को कहा कि इन्हें अपने घर पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक रखना, उसके बाद हम इस पैसे को किसी बिजनेस में लगाएंगे। तो दोस्त ने जब मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा, यार मानना पड़ेगा आप ईमानदार हो, मानना पड़ेगा ईमानदार हो, ऐसे लोग मिलते कहां हैं। मानना पड़ेगा आप ईमानदार हो, ऐसा होता ना अपनी लाइफ में कुछ लोग आते हैं, मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे सेंटेंसेस बना रहे हैं, मानना पड़ेगा मेरे दोस्त आप बहुत होशियार हो। नेक्स्ट, मानना पड़ेगा तुम बहुत समझदार हो, बड़ी समझदारी की बातें करते हो यार कभी कभी। कुछ बच्चे बड़ी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, बड़ी समझदारी की बातें करते हैं, दिल छू लेते हैं यार मेरा, इस दिल को जीत लेते हैं। और कमाल की बात तो यह कि एक ही दिल था वो भी आपने जीत लिया, लेकिन मेरी जिद पता ही क्या है, मैं एक दिल के साथ आया था। एक बार फिर से, मैं एक दिल के साथ आया था और हजारों दिलों में अपनी जगह बनाकर जाऊंगा। जीत जिद की है और जिद जीत की है। चलिए, तो यहां पर मानना पड़ेगा तुम बहुत मतलबी हो। कुछ दोस्त हैं आज के डेट में, कुछ मतलबी दोस्त भी होते हैं। क्या आपकी जिंदगी में भी मतलबी दोस्त अगर है तो बोलिए हाँ सर। हमारी जिंदगी में भी कुछ मतलबी दोस्तों ने डेरा डाल रखा है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलबी दोस्त, मतलब पढ़ा तो आ गए और नहीं पढ़ा तो चले गए। मतलबी दोस्त, मानना पड़ेगा तुम बहुत मतलबी हो यार। जब आपका काम होता है तो आप आते हो, कहते हो ये बताओ वो बताओ, और जब मुझे काम पड़ता है तो आप निकल लेते हो। तो आपकी जिंदगी में भी कुछ मतलबी दोस्त हैं, है मतलबी दोस्त बोलिए हाँ सर। हमारी जिंदगी मतलबी दोस्तों से भरी पड़ी है। दोस्तों बहुत लकी लोग होते हैं जिनकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो लॉयल होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वरना हर तीसरा चौथा जो व्यक्ति है वो मतलबी होता है। वो अपने मतलब के लिए जब तक उसका मतलब है तब तक आपसे वो बात करेगा, और जिस दिन उसका मतलब निकल गया उसके बात करने का भी तरीका बदल जाएगा, उसके बात करने का भी तरीका बदल जाएगा। ऐसे लोग आते हैं हमारी जिंदगी में, और आपकी जिंदगी में भी आए हैं तो बताइए हाँ सर हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आए हैं जो मतलबी रहे हैं। तो इन लोगों से सावधान रहिए दोस्तों, सावधान रहिए। सेंटेंस को स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है हमारा। तो यहां पर इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो शुरू होगा कहां से शुरू होगा देखते हैं। I have to admit, अब कमेंट बॉक्स में I have to admit आपको टाइप करना है, बेशक आपकी उंगलियों में दर्द हो जाए और बोलते बोलते आपके गले में दर्द हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। क्लास के अंदर मैंने आपसे एक घंटा मांगा मेरे दोस्त, जिंदगी बदलने के लिए आपकी एक घंटा दीजिए, ठीक है। सो आई हैव टू एडमिट। सो मानना पड़ेगा आप ईमानदार हो, आई हैव टू एडमिट, उसके बाद जो भी सेंटेंस है वो आप लगा दीजिए, जो भी सेंटेंस है। इस आई हैव टू एडमिट को आप आई विल हैव टू एडमिट भी बोल सकते हैं, या आई एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन आई हैव टू एडमिट जो है स्टैंडर्ड है, मुझे अच्छा लगा मैंने कहा कि आई हैव टू एडमिट ही आपको बताना चाहिए। तो आई हैव टू एडमिट
आई हैव टू एडमिट इसका स्ट्रक्चर है, आप कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको जो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप वो कर रहे हैं. दैट्स वेरी ब्यूटीफुल अबाउट दिस क्लास. ये अपने आप में बहुत अच्छी बड़ी चीज है. तो यहां देखते हैं सेंटेंस कैसे हमें बनाना है. यहां पर आई हैव टू एडमिट, आपको रखना है आई हैव टू एडमिट, और उसके बाद आप ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट. और ध्यान रखना बच्चे से हॉनेस्ट पढ़ते हैं, ये हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट 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 ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, ठीक है. सो आई हैव टू एडमिट यू आर ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट. हॉनेस्ट मत पकड़ना पढ़ना भाई से, ना लोग कहेंगे भाई हॉनेस्ट नहीं है. राइट, जानबूझकर नहीं, जो चीज आपको बता दी इसको जानबूझकर फिर हॉनेस्ट मत पढ़ना, ऑनेस्ट पढ़ना, ठीक है, ऑनेस्ट. तो आई हैव टू एडमिट यू आर ऑनेस्ट, आई हैव टू एडमिट यू आर ऑनेस्ट. मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है, मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है. अब इस सेंटेंस को देखते हैं, मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है, कैसे बनाएंगे. तो आई हैव टू एडमिट ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट. आई हैव टू एडमिट ही इज सो इंटेलिजेंट. आप रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ, दोहरा सकते हैं. आई हैव टू एडमिट ही इज सो इंटेलिजेंट, आई हैव टू एडमिट ही इज सो इंटेलिजेंट. बोलिए मेरे साथ, आप एक एक सेंटेंस मेरे साथ आप बोलिए. दोस्तों शर्त इस बात की कि मैं आपको झुकने नहीं दूंगा किसी के सामने, आपका सिर नीचा नहीं होने दूंगा, आप कंधे से कंधा मिलाकर आप मेरे साथ चलिए. आई हैव टू एडमिट ही इज सो इंटेलिजेंट. नेक्स्ट देखते हैं, मानना पड़ेगा तुम बहुत समझदार हो, बहुत समझदार हो, मानना पड़ेगा तुम बहुत समझदार हो. और जो इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा. तो क्या बोलना है, मानना पड़ेगा तुम बहुत समझदार हो. आई हैव टू एडमिट यू आर सो वाइज, आई हैव टू एडमिट यू आर सो वाइज. मानना पड़ेगा तुम बहुत समझदार हो, यू आर सो वाइज. मानना पड़ेगा तुम बहुत मतलबी हो, इस सेंटेंस को आप बनाइए. मानना पड़ेगा आप बहुत मतलबी हो. आई वॉन्ट एवरी वन की इस सेंटेंस को बना के दिखाएं मुझे. मानना पड़ेगा तुम बहुत मतलबी हो, यह सेंटेंस आपके लिए दिया, फटाफट से बनाइए. मैं चेक कर रहा हूं कि आप बना रहे नहीं बना रहे. मानना पड़ेगा तुम बहुत मतलबी हो. एक एक बच्चे सेंटेंस को बना के फटाफट से बताइए. मानना पड़ेगा तुम बहुत मतलबी हो, एक सेंटेंस मांगा है बस मैंने आपसे यहां पर, एक सेंटेंस फटाफट से बना दीजिए. मानना पड़ेगा आप बहुत समझदार हो. चलिए बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया. चलिए मैं बताता हूं यहां पर, मानना पड़ेगा आप बहुत होशियार हो. आई हैव टू एडमिट यू आर सो सेल्फिश, यू आर सो सेल्फिश. आई हैव टू एडमिट यू आर सो सेल्फिश. मानना पड़ेगा आप बहुत मतलबी हो. चलिए तो आपको आज की क्लास समझ में आ रही तो बोलिए हाँ सर, वी आर गेटिंग यू, वी आर टेकिंग एवरीथिंग सीरियसली, हमें समझ में आ रहा है. अगर आपको इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो बताइए सर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है. इस क्लास में पता दो चीजें हो रही हैं, आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है और साथ में आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो हमें स्पोकन में चाहिए. और आज एक मैं गुड न्यूज भी दूंगा इस क्लास में, एंड में भी गुड न्यूज मैं देने वाला हूं. क्या गुड न्यूज है देखिए, सबसे पहले मैं क्लैपिंग करूंगा आप लोगों के लिए. 700 का टारगेट हमने पूरा कर लिया, गॉड ब्लेस यू ऑल, यू गाइस आर द ग्रेट एंड यू गाइस आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेट, यू आर द बेस्ट. हां आप बेस्ट हो, हां आप ग्रेट हो. वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, आगे अपने आप, आपको पता है ना कितनी मोटिवेशनल कविता है, वो कर लीजिएगा एडिट, ठीक है. यहां पर चलते हैं आगे, देखते हैं. और मैं आपको बता दूं गुड न्यूज क्या है. गुड न्यूज ये है कि बहुत बच्चे जानना चाह रहे थे सर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लासेस को करना है वो कैसे करेंगे. तो मैं आपको बता दूं जो रनिंग बैच अभी हमारा 5th बैच जो है उसका जो लास्ट एडमिशन कल तक और है, उसके बाद उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा. अब नया बैच आप लोगों की डिमांड पर मैं नेक्स्ट मंथ लेकर आ रहा हूं और उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं.
आप वहां जाकर अपनी सीट को बुक कर लीजिएगा और बहुत ही अच्छे ऑफर में आपको वो मैं सीट दे रहा हूं, जहां पर उस एप्लीकेशन में भी हम कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ आगे चलेंगे और जीरो से हीरो तक चलेंगे। इंग्लिश कोई भी है, आप कोई भी हो, सबके लिए जरूरी है। आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, लॉयर हो, होम मेकर हो, आप जो भी हो, सबके लिए इंग्लिश चाहिए। आप बिजनेसमैन हो, आप अपना बिजनेस करते हो, आप सेल्फ बिजनेसमैन हो, सबके लिए इंग्लिश चाहिए। सो इंग्लिश फॉर ऑल, नया बैच आ रहा है जुलाई में, राइट? और उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, सीट आप अपनी वहां पर बुक करा सकते हैं। और कैसे करानी है? इन नंबर्स पर। और कहां क्लास लेनी है? प्ले स्टोर पर जाना है और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जो पूरे भारत में क्रांति ला रही है एप्लीकेशन, उसको अभी के अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर जिस बच्चे ने डाउनलोड कर लिए, बोलिए हाँ सर हमने डाउनलोड कर लिया है, और जिसने नहीं करी है वो फटाफट से डाउनलोड करके वहां पर भी हमारे साथ चलने का प्रयास करें। और ये बुक बहुत कमाल की बुक है, बहुत ही प्यारी बुक्स हैं। ऐसे बुक्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी दोस्तों मार्केट में, जिसमें बहुत सारे अपडेट किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं। आप इन्हें मंगा सकते हैं, इन नंबर्स पे, नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं, इन नंबर्स को आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट? और इसी तरह से हमारा साथ एक दूसरे के साथ बना रहेगा और मिलेंगे हम कल एक फिर से छोटे से ब्रेक के बाद। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास। आप लोगों बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक जज्बा बना लिया आगे बढ़ने का, राइट? और जो बच्चा जीरो से हीरो की तरफ मेरे साथ चलना चाह रहा है, वो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और साथ में मेरे साथ चलिए, एक साथ आगे बढ़ेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे। हजारों बच्चों ने अपनी जिंदगी को यहां से बदला है, आप भी बदल सकते हैं, ठीक है? So, okay, bye. Thank you so much, everyone, for taking this beautiful session. I'll be back with amazing session and lesson soon. Till the time, keep smiling, keep watching my videos. Take care. Good night, everyone.